नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं आपके साथ अनंत। देश की बात में आज बताएंगे, नोटबंदी पर क्यों नहीं थम रहा संसद में संग्राम। फैसले के 13 दिन बाद भी बैंक के आईटीएम में क्यों नहीं कम हो रही कतारें। साथ ही बताएंगे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उद्घाटन समारोह में क्या कुछ हुआ, क्यों मायावती ने एक्सप्रेसवे उद्घाटन को जोड़ा यूपी चुनावों से। साथ ही बताएंगे, इंदौर पटना ट्रेन हादसे करीब 40 घंटे बाद भी क्यों जारी है शवों के निकलने का सिलसिला। साथ ही बताएंगे, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने क्या दी सीमा पर तैनात जवानों को हिदायत। ये भी बताएंगे कि बीसीसीआई के खिलाफ क्यों सख्त हुई लोढ़ा कमेटी। आपको ये भी बताएंगे कि श्रीलंका सरकार को क्यों है भारत पर भरोसा, और साथ में और भी बहुत कुछ। नोटबंदी के 13वें दिन भी देश से नकदी का संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा। बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ बरकरार है। देश अभी भी कतारों में दिन गुजारने पर मजबूर है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। यूं तो सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उसका असर अभी तक उम्मीद के मुताबिक नहीं है। अभी भी देश के ज्यादातर एटीएम पैसे के बगैर खाली पड़े हैं। और इस बीच नोटबंदी को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। विपक्ष मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को सदन में बुलाने की मांग पर आ है, जबकि सरकार का कहना यह है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नोटबंदी को लेकर संसद में हंगामा लगातार जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर जमकर सियासी घमासान हुआ। विपक्ष की मांग है कि रेल हादसे के मृतकों की ही तरह नोटबंदी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी जाए। विपक्ष के रवैये पर निशाना साधते हुए सरकार ने कहा कि विपक्ष के पास नोटबंदी पर चर्चा के लिए कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो हंगामा कर सदन की कार्यवाही बाधित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 70 लोग अभी पिछले 15 दिन में लाइन में खड़े होकर पूरे देश में मर गए हैं, वो भी तो हमारे देशवासी हैं, उनके लिए भी तो यहाँ एक चेयर की तरफ से रेजोल्यूशन है। यही हमारी मांग है। जो इस नीति का जो मेरिट डीमेरिट है उस डिबेट के अंदर आ जाएगा। ये स्पष्ट है कि विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है और सदन को डिसरप्ट करने के रोज नए नए तरह के तरीके ढूंढ रहा है। संसद के दोनों सदनों में कामकाज ठप है। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। सरकार बार बार सदन में चर्चा कराने के अपने दावे पर टिकी है, तो वही विपक्ष प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। ये अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ने कर चुका है, रिजर्व बैंक ने करना था, उन्होंने नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने आपका हाथ में लिया जिम्मेदारी, अभी रिप्लाई कौन देना। सबका एक मत में ये कहना है कि भले ही हमें असुविधा थोड़ी बहुत हो रही है, जिसका उम्मीद भी थी कि होगी क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है, लेकिन फिर भी हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। दरअसल संसद में जाने से पहले ही विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की साझा रणनीति तैयार कर ली थी। विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि चर्चा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर सवाल पूछा जाएगा। सरकार चर्चा कराने की अपनी बात पर कायम है, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री की मौजूदगी से कम पर तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। नोटबंदी पर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष सरकार के फैसले के खिलाफ संसद में लामबंद है, तो संसद के बाहर भी वो हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के मुखिया ममता बनर्जी ने नोटबंदी के फैसले को गलत बताते हुए इसे बड़ा घोटाला करार दिया है। आपका जमाने में आप देखो, सबको चोर बदले बोलने का पहले कितना आदमी को आप छुट्टा दे दिया, कितना आदमी को मनी मनी हो गया है, कितना आदमी को आप NPA देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखो, ये तो देखो आस्ते आस्ते जानकारी मिल ही जाएगा। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसको खत्म करना है। नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें गरीब आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है जो बैंकों और एटीएम के बाहर कतारों में खड़ा है।
राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली के कई एटीएम पर पहुंचे और लाइन में खड़े लोगों से उनका दर्द बांटा। 500 और हजार की नोटबंदी के बाद देश जहां लंबी लंबी कतारों में खड़ा होकर पैसों के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने में पीछे नहीं। संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी पर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद है, तो सड़क पर उतरकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा खोला। राहुल गांधी सबसे पहले जहांगीरपुरी पहुंचे, उसके बाद वो इंद्रलोक, आनंद पर्वत और आजाद मार्केट भी पहुंचे। राहुल ने एटीएम के बाहर लोगों से मुलाकात की और उनकी दिक्कतें पूछी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर पूंजीपतियों का हमदर्द होने का आरोप लगाया। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनकी तिजोरी भरेगी, उनके जो बैंक लोन हैं माफ होंगे, और जो हमारे गरीब लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनको उनका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर एटीएम से उनको लेना है पैसा तो खुद जाए तो अच्छा है, लेकिन खुद लाइन में लग करके लोगों को भड़काने का काम करें ये ठीक नहीं है। देश में नोटबंदी के 13वें दिन प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उसके इस फैसले से लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को सुपर पीएम से भी ऊपर समझते हैं और उनके फैसलों की जानकारी उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों तक को नहीं होती। कुछ नहीं सोचा, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री नहीं है, आजकल ये कोई नया रूप आया है, पता नहीं, सुपर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कह सकते हैं, पता नहीं, सोचना पड़ेगा, डिफाइन करने के लिए एक नया शब्द निकालना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है तो क्या जिंदगी में कम से कम एक बार वो एटीएम देखने के लिए गया, क्यू में खड़े हो गया, उनके लिए हमारा शुभकामना है। सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद राहुल गांधी कई बार लोगों की भीड़ में नजर आए। वो नोटबंदी के फैसले के बाद हो रही दिक्कतों के बारे में लोगों से पूछ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पैसे बदलवाने के लिए लाइन भी लगाई, हालांकि विपक्ष उनके इस कदम को सियासत बता रहा है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष आम लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इस शादी के लिए 2.5 लाख रुपए तक निकालने की सुविधा मिलने के बावजूद लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी भी लोगों को शादी के लिए बैंक से रुपए निकालने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग बैंकों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। कई बैंक ये भी कह रहे हैं कि उन्हें जरूरी दिशा निर्देश ही नहीं मिले हैं। मथुरा के हाथी गली निवासी गिरधारी लाल की बेटी पिंकी की शादी 25 नवंबर को है। गिरधारी लाल और उनकी पत्नी को अपने अकाउंट से शादी की तैयारियों के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने हैं, लेकिन गिरधारी लाल का कहना है कि बैंक कर्मचारी उन्हें 2.5 लाख रुपए देने से मना कर रहे हैं। गिरधारी लाल ने मथुरा के जिला अधिकारी से लिखित शिकायत की है। वहीं बैंक अधिकारी का तर्क है कि उन्हें इस बारे में ना तो जरूरी गाइडलाइन मिली है और ना ही उनके बैंक में इतना कैश है। मोदी जी ने जो फैसला लिया है इससे हमारे सामने तमाम समस्या खड़ी हो गई है। पहली समस्या ये है कि इतनी लंबी लंबी लाइन है कि उन लाइनों में हमें बड़ा भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब मेरी पुत्री की शादी 25 तारीख में है, अब मैं पहले पैसे का इंतजाम करूँ कि पहले जा कर के लाइन में लगूँ, ये समस्या से इतना भारी परेशान हूँ। दूसरी चीज, यदि गाइडलाइंस है और उस हिसाब से हमको कहा भी जाता है कि भाई आप इनको दे दो 2.5 लाख, तो हम 2.5 लाख देने की कोशिश नहीं है क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है। ज्यादातर बैंक यही दलील दे रहे हैं। फैजाबाद के स्टेट बैंक भी नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी सरकार की ओर से शादी जैसे मामलों में कैश निकासी में छूट ऐलान तो हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। are being conducted now. This is the wedding season and representations have been received by the government and the Honorable Prime Minister, the Honorable Finance Minister also have got a number of representations from various sections. So this has been considered by the government and it has been decided that for marriage, for wedding ceremonies which are going on, up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. Now naturally again these accounts will have to be KYC compliant accounts and there has to be drawn one per marriage and it can be drawn either from the account of
the father or the mother or the account of either of the, you know, the boy or the, I mean, those who are getting married. सांसद रसूल लल्लू सिंह यहाँ आए हुए थे, उन्होंने पूरी ब्रांच का भ्रमण किया, पूरी व्यवस्था देखी, सब काउंटर पर जाकर के उन्होंने लोगों से बात की और हम लोगों ने जो व्यवस्था देखी करी है यहाँ पे स्पेशल, जैसे कि जो भी नोट एक्सचेंज हो रहे हैं आज उसकी व्यवस्था हम लोगों ने करी है यहाँ पे, वो उन्होंने देखा, उन्होंने काफ़ी संतोष व्यक्त किया कि यहाँ पे जो व्यवस्था की गई बहुत अच्छी है और आज के लिए तो ये है। और मंडे से ऑनवर्ड जो है वो जिस तरह से काउंटर हम चला रहे हैं लगातार, जो 3 या 4 काउंटर लगातार चला रहे हैं एक्सचेंज वाला, वो यथावत चलता रहेगा। और यहाँ पे लोकल में जितनी ब्रांच है, हमारी लिंक ब्रांच है, वहाँ पैसा जा भी रहा है यहाँ से, उनके बड़े नोट जो है हमारे यहाँ कलेक्ट हो रहे हैं और छोटे नोट यहाँ से जा भी रहे हैं उनके पास, तो अभी वैसी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कायदे से काम चल रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसे हालात में वो लोग क्या करें जिनके घरों में शादियां होनी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज श्रीवास्तव, उनसे जानते हैं कि आखिरकार कमी कहां रह चुकी है। पंकज जी, 13 दिन तकरीबन हो चुके हैं डिमोनेटाइजेशन को आए हुए, उसके बावजूद आज भी हालात जस के तस हैं, लाइनें लगी हुई हैं, बैंक में आज तक करेंसी नहीं है। और अब जब पूछा जाता है बैंक से कि भाई 2.5 लाख रुपए जो कहा गया है कि जिन घरों में शादी वहां दिया जाए, तो कहते हैं कि हमें अभी तक निर्देश नहीं मिले हैं। मैं अभी आपके स्टूडियो आ रहा था और रास्ते में कई जगह मैंने लंबी लंबी लाइनें देखी उन लोगों की, जो शायद दिन भर कहीं नौकरी कर रहे थे और उनके पास कोई वक्त नहीं था पैसा निकालने का, और अभी वो लगे हुए हैं लाइनों पर। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं 13वां दिन, यानी सरकार ने जो भी सोचा, अभी मैं नोटबंदी सही है गलत एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, उसको आप दरकिनार कर दें। सवाल है कि किसी नीति के लागू होने पर जो असर पड़ रहा है उसको रोकने की तैयारी क्या थी। सरकार ने नोट पर्याप्त मात्रा में छपाए नहीं, जैसा आप जानते हैं कि जो 1000 या 500 रुपए के नोट हैं वो कुल जो नकदी है उसका 86% था, यानी सिर्फ 14% कैश बचा जिस पर पूरा देश इस समय दौड़ रहा है। 2000 के नोट जिस तरह से छपे कि उनकी साइज अलग है, एटीएम से निकल नहीं सकते, वो एक समस्या। 500 के अभी आने शुरू हुए हैं, यानी देश में कैश का भयानक संकट पैदा हो गया। और अगर आप जिस तरह की लाइनें लोगों की आप देखें, आम लोग, गरीब लोग, विकलांगों को आप देखिए, जिस तरह की परेशानी है, ये बताता है कम से कम इस मोर्चे पे कि जनता को जैसी तकलीफ हो रही है वो तकलीफ एक बहुत ही भयानक गैर जिम्मेदारी और लापरवाही इसका द्योतक है। और मुझे लगता है सरकार के मोर्चे पर कोई बहुत बड़ी चूक इसमें हुई है। बिल्कुल, क्योंकि विरोधी दलों की बात भी अगर सुनते हैं तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि नीयत भले ही आपकी बेहतर हो, नीयत आपकी ठीक हो, लेकिन नीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ रही है। कोई भी नीति, लोकतंत्र में कोई भी नीति जो है वो इसी बात पे, उसकी कसौटी यह है कि जनता पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। गांधी जी ने एक मंत्र दिया था जिसकी बड़ी चर्चा होती है, गांधी जी से पूछा गया कि हमें क्या करना है, तो गांधी जी ने कहा मेरे पास एक जंतर है, और वो जंतर यह है कि कोई भी आप फैसला करें, कोई भी काम करें, तो आप ये नज़र रखें कि इस देश का जो अंतिम व्यक्ति है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर उस पर अच्छा असर पड़ रहा है तो वो नीति ठीक है। आज स्थिति यह है कि इस फैसले से देश की बहुसंख्यक जनता बहुत परेशान है, ये ज़रूर है कि उसको ये बताया गया है कि इससे शायद देश का भला होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा, कितना काला धन बाहर आएगा, ये गंभीर बात है। दूसरा, जैसा आपने खुद बताया कि कार्ड छपे हैं, लोग लेकर लाइनों में खड़े हैं, उनके घर में शादी है, आदेश निकल चुका है, लेकिन वो पहुंचा नहीं है बैंकों तक, ये तो अजब बात है। इस इंटरनेट, इस डिजिटल एज में सरकार की कोई पॉलिसी बैंक्स के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक पहुंचे ना इतने दिनों में, तो गंभीर बात है। और इसके अलावा संविधान ने आपको संपत्ति का अधिकार दिया है, हमारा पैसा है, हमने बैंक में रख दिया, वो पैसा हम नहीं निकाल सकते, ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ। ये एक ऐसी बात है जिस पर बड़ी संवैधानिक बहस हो सकती है कि आखिर आप लोगों को उनकी संपत्ति से इस तरह से कैसे वंचित कर सकते हैं। हमारा पैसा है, हम अगर हमने बैंक में जमा किया तो सब वाइट है, वो ब्लैक नहीं है, क्योंकि उसका सोर्स हमें बताना होता है। उसके बाद उसको निकालने में किसी भी तरह का प्रतिबंध किसी भी आजाद मुल्क में संभव नहीं है। आप किस तरह लगा सकते हैं, हमारा पैसा है, हमें जितनी इच्छा होगी उतनी निकालेंगे, जाहिर है उस पर रोक लगी है। और एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे संवैधानिक अधिकार पर भी चोट पहुंची है, ये बहस हो सकती है। बिल्कुल, और जब लोगों से बात की जाती है तो
निर्णय के सपोर्ट में जरूर नजर आते हैं, लेकिन अंदर एक कुंठा भी उनके अंदर दिखती उनको दरअसल अभी हाँ। जब सरकार ने ये कहा या प्रचार है कि भाई देश के कोई भी अगर सरकार ये कहती कि हम काला धन के खिलाफ हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो देश का हर नागरिक कहेगा बहुत अच्छी बात है आप करिए। सरकार ने कहा इससे काला धन कम होगा तो लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन नजर जो आ रहा विश्लेषण जो हो रहा और जो तैयारियां जिस लेवल पे नजर आ रहे हैं जितनी कम तैयारी के साथ ही काम किया गया है उससे तो ये सवाल उठता है कि इसको पहले आप तैयारी कर लेते फिर करते, किसने आपको रोका था कि पहले आप नोट छाप लेते। सर अगर इन्फ्लेशन रेट की हम लोग बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर क्या रहेगा? देखिए जहां तक डीमोनेटाइजेशन की बात है इन्फ्लेशन की बात है एक चीज तो साफ है कि जो कैश इनफ्लो था वो अगर रुका है तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई लाइन है खासतौर पर जो खुदरा व्यापार है उसमें व्यापारियों के बीच वो बुरी तरह टूटी है और आने वाले दिनों में कोई आश्चर्य नहीं है कि महंगाई बढ़ेगी। अभी ही आटा वगैरह के दाम बढ़ने की खबर आ रही है, इसके अलावा बुआई में 15 दिन पिछड़ गया है पूरा आलू की बुआई खासतौर पर और भी तमाम जो तैयारी हो रही है गेहूं वगैरह की उसमें तो कहीं ना कहीं इसका असर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो खाद्यान्न की उपलब्धता है सब्जियों की उपलब्धता है या उसका जो पूरा खुदरा व्यापार खास तौर पर है वो बुरी तरह प्रभावित होगा और महंगाई बढ़ने की पूरी आशंका है। जी ठीक बात है सर, लेकिन ये जो हमने अभी चर्चा के दौरान हमें ये बातें भी सामने आती है कि जो ब्लैक मनी है जो टोटल मार्केट में बमुश्किल 5-6% है जिसको वापस लाने की बात की जा रही है, लेकिन एक लोगों के अंदर एक भ्रांति भी है कि कैश मनी जो आपके पास है और जो ब्लैक मनी है दोनों को इक्विवेलेंट समझा जा रहा है, तो क्या इसके बारे में भी जागृति करने की जरूरत नहीं कि भाई जो पैसा आपका बैंक में है या जो पैसा आपके पास भी रखा है जिसके आप सोर्स रिवील कर सकते हैं वो आपकी व्हाइट मनी है? देखिए ब्लैक मनी वैसे देखा जाए तो ये शब्द ही गलत है, कोई मनी ब्लैक और वाइट नहीं होती है, वो या तो कर देकर आप अपने पास रखते हैं यानी जिस पर आप टैक्स देते हैं वो वैध मनी है और जिस पे आप टैक्स नहीं देते हैं जिसको आप छिपाते हैं अपने पूरे टैक्सेशन के सिस्टम से वो अवैध धन है। हाँ। तो दिक्कत यह है कि बड़े पैमाने पर ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने बिना टैक्स जो पैसा बचाया जिसे काला धन आमतौर पर कहा जाता है उसे विदेशों में बैंकों में जमा किया है तमाम जगह, जब पिछले चुनाव के पहले यह बहुत बड़ा मुद्दा था कि कितने लाख करोड़ स्विस बैंक में या दुनिया के दूसरे जगहों पर है उसे वापस लाना है, एक राजनीतिक मुद्दा भी था। हाँ। लेकिन जो भी पैसा बैंक में है वो कभी भी अवैध नहीं हो सकता क्योंकि उसका सारा सोर्स आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात ये तो एक अर्थशास्त्रीय विश्लेषण है, एक तथ्य है कि जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं उसका जो कैश कंपोनेंट है वो बमुश्किल 5-6% है, वो रियल एस्टेट में है, वो जमीनों में है, वो शायद सोने में है। लेकिन अब देखिए ये 60-70 का दशक नहीं है जब हमारे फिल्मी जो विलेन हुआ करते थे प्रेमनाथ प्रेम चोपड़ा वो कहीं गद्दे के नीचे किसी फर्जी दीवार एक नकली दीवार रहती थी कोई अलमारी रहती थी जिसके पीछे खूब सारा कैश जमा करते थे और अचानक पुलिस आके उनको पकड़ लेती थी, ऐसा अब होता नहीं है, अब कोई कैश में नहीं रखता है बल्कि वो इसी मार्केट में अलग अलग तरीके से वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। इसलिए कोई कहे कि इस नोटबंदी से काला धन बाहर आ जाएगा लोग मजबूर हो जाएंगे उसको सामने लाने में, ऐसा कुछ है नहीं और ये आने वाले दिनों में इसका विश्लेषण होगा। आज तो मैं पढ़ रहा था केशी चक्रवर्ती जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे हैं उन्होंने साफ कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है लेकिन उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरी बात बैंकों के पास पैसा नहीं था, एक बात बहुत साफ है, बहुत बुरी स्थिति थी खासतौर पर जिस तरह एनपीए का मामला सामने आया बड़े उद्योगपतियों का कर्ज का, तो अब लोग पैसा कहां से लोन दें, तो सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे जो घरों में छुपा हुआ पैसा है जो महिलाएं खासतौर पर रखती हैं या लोग घर में 20,000-25,000 किसी गाढ़े वक्त के लिए यूं भी रखते हैं, गरीब से गरीब आदमी अपने घर में एक छोटा सा ऐसा बैंक बनाना चाहता है कि बहुत ही गाढ़े वक्त में उसे निकाला जाए, वो सारा पैसा सरकार ने कहा कि ये रद्दी का टुकड़ा हो गया है आज रात 12 बजे से 8 तारीख को और वो पैसा सब बैंक में जाएगा और वो जाना पड़ा मजबूरी है। हाँ। और उसी का नतीजा है करीब 5,00,000 करोड़ रुपया बैंकों के पास आज है अचानक। हाँ। वो एकदम मालामाल हो गए। हाँ। तो अब सवाल है ये देखना होगा कि बैंक जो मालामाल हुए हैं जनता के पैसे से हुए हैं। हाँ। उसका इस्तेमाल क्या होता है, क्या वो फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्ज दे दिया जाता है या जनता के राहत के काम में भी लगता है? ठीक है पंकज जी, वापस मैं आपके पास लौटूंगा, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हादसे का शिकार हुई इंदौर पटना एक्सप्रेस के 30 घंटे बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया, अभी बोगियों से शव लगातार निकाले जा रहे हैं। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 145 के पार पहुंच चुकी है जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
इंदौर से पटना जा रही इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस हादसे में कई लोग बिछड़ गए हैं। वो अपनों को तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग जिनके अपने सुरक्षित हैं, वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन जिनके अपनों को अब तक सुराग नहीं मिल सका, वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये लगभग 3:15 बजे आसपास बहुत तेज आवाज आई, खर 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 खर, जैसे गिट्टी उतर रही हो। इसके बाद हम लोगों ने झांक के देखा तो कुछ दिखा नहीं। इसके बाद थोड़ी देर पता चला ट्रेन पलट गई। तो मैं, ट्रेन पलट गई, ट्रेन कैसे पलट जाएगी? ट्रक पलटने, ट्रेन नहीं पलटती है। तो जब हम लोग देखने गया तो डब्बे के ऊपर डब्बे चल रहे। मैं, मुझे 4 बजे मेरे फ्रेंड का फोन आया, बोला भाई इधर ट्रेन एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हो गया है, आप लोग आ जाइए। बस हम लोग तुरंत उठे, काफी लड़कों को फोन मिलाया, यहाँ पर आए। ट्रेन में काफी लोग फंसे हुए थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। फिर जब आए तो यहाँ पर बड़ा मंजर खराब था, बहुत अंधेरा टाइप का था, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो सब चीख पुकार की आवाज हो रही थी, तो सब लोग गांव वाले दौड़ के आए, सब लोग आए, फिर निकाला गया, सब लोग हेल्प किया हम लोगों ने। इनके लगभग हुआ है, उसके बाद हम लोग को, जैसे रात, हम लोग सुबह का टाइम था, सब लोग सो रहे थे, तो जैसे आवाज आई सब लोग दौड़ते हुए आए, चीख पुकार मच गई आसपास के। अब काफी सुनसान सुबह शांत का माहौल था, तो काफी तेजी से आवाज भी आ रही थी रोड तक। तो हम लोग दौड़ते हुए आए तो यहाँ पर देखा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सुबह का माहौल था, कोहरा भी था थोड़ा बहुत, और ट्रेन के डिब्बे ऐसे पलटे पड़े थे। हादसे में घायलों की मदद के लिए रेलवे प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। कानपुर के हेल्थ अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों की स्थिति में सुधार के बाद उनको घर भेजने के लिए रेलवे उनको मुफ्त पास बांट रहा है। रेलवे की तरफ से जो हमारे बोनाफाइड पैसेंजर हैं, उनको उनके गंतव्य स्थान तक हम लोग उसी यात्रा का जो है पास उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे वो अपने घर पर आसानी से जा सकें। पूरे मामले पर ट्रेन के ड्राइवर जलज शर्मा ने एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि झांसी के बाद ही उन्हें खतरे के बारे में पता चल चुका था, जिसका जिक्र उन्होंने अफसरों से भी किया था, लेकिन अफसरों ने मामले को गंभीरता से लेने की जगह ट्रेन को कानपुर तक ले जाने के लिए कहा। रात करीब 1 बजे ट्रेन ड्राइवर जलज शर्मा ने अफसरों को खतरे के संकेत दिए थे। झांसी से चलने के बाद 2 स्टेशन पार होते ही उन्हें इंजन मीटर पर अधिक लोड दिखा। उन्होंने तत्काल सहयोगी डीपी यादव को बताया। इसके बाद झांसी मंडल के अफसरों को सूचना दी, लेकिन वहां से कहा गया कि ट्रेन को जैसे तैसे कानपुर तक ले जाओ, फिर देखेंगे। झांसी डिवीजन के इस ड्राइवर ने सेंट्रल स्टेशन पर चालक लॉबी में सौंपी गई रिपोर्ट में बताया कि तड़के 3:03 OHE केबल ओवरहेड इलेक्ट्रॉनिक केबल में तेज धमाके के बाद उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। जिस समय ट्रेन हादसे का शिकार हुई उसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। OHE में धमाके से लाइन ट्रिप नहीं होती तो पूरी ट्रेन में आग लग सकती थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आशंका जताई जाने लगी है कि हो सकता है कि ये दुर्घटना इसी चूक और अफसरों के ढीले रवैये की वजह से हुई हो, जबकि कुछ जानकार हादसे की वजह ट्रेन फ्रैक्चर को मानते हैं, जिसको पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सका। हालांकि किसी पुख्ता जांच के रिपोर्ट के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी। शिवा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN कानपुर। रेलवे सुरक्षा में गंभीर चूक का उदाहरण आज मेरठ में भी देखने को मिला। यहां पर रेलवे ट्रैक के रखरखाव में गंभीर अनदेखी के चलते आज एक और बड़ा रेल हादसा टल गया। दून एक्सप्रेस के 6 डिब्बे निकलने के बाद ट्रेन को रोका गया। मेरठ के दौराड़ा के पास सकौती में आज रेलवे ट्रैक टूटा मिला। कानपुर देहात के पास कल इंदौर पटना एक्सप्रेस की दुर्घटना के बाद भी रेलवे प्रशासन गंभीर नहीं रहा। दौराड़ा के पास सुबह रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने रेलवे ट्रैक में बड़ा फ्रैक्चर देखा। माना जा रहा है कि यहां रात भर में कई ट्रेन अपनी रफ्तार से गुजरी। आज घटना की जानकारी से रेलवे अफसर में खलबली है। जहां पर ट्रेन में फ्रैक्चर देखा गया वहां टीम मौके पर भेजी गई और आज भी इस टूटे ट्रैक से देहरादून के 6 डिब्बे गुजर गए। उसके बाद ट्रैक को रोका गया और फिर धीरे धीरे ट्रेन को वहां से पास कराया गया। पंकज जी, एक आंकड़े के मुताबिक 2.25 करोड़ लोग रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं। तकरीबन 87 लाख टन वजन रोज इधर उधर लाया ले जाया जाता है। उसके बावजूद भी जब इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है, चूक आखिरकार क्यों रह जाती है? देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है कि जिस तरह की लगातार निगरानी की जरूरत है या जो सुरक्षा और संरक्षा के उपाय होने चाहिए वो नहीं है। अब इससे बड़ी बात क्या होती हो सकती है कि ड्राइवर ने सूचना दे दी कि इतनी बड़ी आशंका, कोई अनहोनी हो सकती है, ऐसा साफ लग रहा है। वो बता रहा है कि इसके रेल का जो इंजन है वो संकेत दे रहा है कि उस पर भार ज्यादा है या और भी कुछ।
जो तकनीकी शायद मैं उतना नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात साफ है कि ड्राइवर ये बात बता चुका था अधिकारियों को और उन्होंने कहा कि इसको किसी तरह कानपुर ले जाओ। यानी आप ये सोचिए जिस ट्रेन में सैकड़ों लोग हो उसमें उनकी उनकी जान की परवाह ही नहीं है, किसी तरह ले जाओ। और उसके बीच जो हुआ आप देख रहे हैं कि 145 लोग मरे हैं जिनकी गिनती आपके पास है और आप जानते हैं कि ऐसे मामलों में गिनती और ज्यादा हो सकती है, कितने घायल हैं, कितने मरे हैं, उनके बारे में आप तो आप एक बात बहुत साफ है कि किस तरह से हमारा जो रेलवे सिस्टम, हम बुलेट ट्रेन की बात जरूर कर रहे हैं और वो एक बड़े प्रदर्शन की बात है कि भारत के पास बुलेट ट्रेन है, लेकिन अगर हमारे ट्रैक्स ऐसे हैं, हमारे रेल कोचेज ऐसे हैं, हमारा सिस्टम ऐसा है, तो आखिर उसका फायदा किसको मिलेगा? आप ये जो अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि 70-80 किलोमीटर के आसपास इसकी रफ्तार थी या और शायद ज्यादा ही, तो ये ICF मेरा ख्याल है पेरम्बूर के बने हुए जो चेन्नई में है पुराने जो कोचेज होते हैं जिनको फेज आउट करना है धीरे धीरे, वो है डिब्बे जो इतनी तेज रफ्तार पे चलते ही नहीं है, उनके लिए हमेशा एक खतरा बना रहता है। तो ये जो रेल कोच है, जो ये हमारे जो डिब्बे हैं, ये शायद नए रफ्तार के साथ इनको यूं भी नहीं चलना, इनको तेजी से हटाने की जरूरत है, अपनी ट्रैक्स को इस लायक बनाने की जरूरत है कि ज्यादा तेजी से चलें, लेकिन सुरक्षा का जो मसला है क्योंकि ट्रेन में आमतौर पर गरीब लोग ज्यादा चलते हैं और ऐसा लगता है कि जो भी किसी एक सरकार को मैं दोष नहीं दूंगा कि ये सरकार आई और उसने कोई लापरवाही की, पूरा जो हमारा सिस्टम है जो खासतौर पर रेलवे सुरक्षा को लेकर उसमें ही भीषण किस्म की लापरवाही और एक 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 अंदाज में ही लापरवाही नजर आती है और जनता को उसका कैसा खामियाजा भुगतना पड़ता है वो आपके सामने हमारे सामने आ चुका है। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। रेल हादसे की गूंज आज संसद में भी सुनाई पड़ी। नोटबंदी के अलावा दूसरा मुद्दा था जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। मायावती ने सरकार पर तंज करते हुए कहा कि बुलेट ट्रेन का सपना देख रही मोदी सरकार पहले देश की रेल पटरियों को सुधारे जिससे ऐसे बड़े हादसे टाले जा सके। तो लालू यादव ने भी ट्वीट कर कुछ ऐसा ही कहा। नोटबंदी के अलावा संसद के दोनों सदनों में कानपुर के पुखराया में हुए रेल हादसे पर भी हंगामा हुआ। घटनास्थल का जायजा लेकर लौट रहे मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में बयान देते हुए रेल हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने घटना की फॉरेंसिक जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। विपक्ष ने दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को लेकर खूब हंगामा किया। विपक्ष के सांसदों ने एक सुर में ये मांग रखी कि रेल हादसे पर चर्चा तब होगी जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में मौजूद हों। विपक्ष के शोर शराबे के बीच रेल मंत्री ने अपनी बात सदन में रखी। स्टैट्यूटरी इंक्वायरी बाय कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इनटू द एक्सीडेंट हैज बीन ऑर्डर्ड टू डिटरमाइन द करेक्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट। देयर शैल बी अ सेपरेट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। इंदौर पटना ट्रेन हादसे को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर रहा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने देश में बुलेट ट्रेन चलाने की सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। मायावती ने कहा कि बुलेट ट्रेन में खर्च होने वाले पैसे को रेलवे के बुनियादी ढांचे को सुधारने में लगाना चाहिए। जो असुविधा यात्रियों को जो आए दिन पैदा हो रही है असुविधा, उसको दूर करने के लिए यदि वही बुलेट ट्रेन वाला पैसा अरबों खरबों यदि ये खर्च कर दिया जाता जो और भी हादसे हुए हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये हादसे नहीं होते। रेल हादसे में ट्रेन की 14 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। सबसे अधिक नुकसान B3, S2 और S3 कोच को हुआ। मार्ग बाधित होने के कारण कई ट्रेनों का रास्ता बदलना पड़ा तो कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। 6 साल बाद हुई इतनी बड़ी रेल दुर्घटना ने एक बार फिर भारतीय रेल की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। पंकज जी आपके पास मैं आऊंगा। जैसा कि आपने बात की कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं, इतने बड़े वजन को रोज इधर से उधर किया जाता है, उसके बावजूद भी एक आंकड़े के मुताबिक जो सिर्फ निगरानी वाला विभाग है, निगरानी वाला जो इनका एक डिवीजन है, उसमें तकरीबन 1,00,000 लोगों की कमी है। अगर इतनी भारी कमी इतने बड़े रेलवे नेटवर्क में निगरानी के तौर पर सामने आएगी तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि आज जो व्यक्ति ट्रेन में चढ़कर जा रहा है वो गंतव्य तक सही सलामत पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल, ये एक देखिए सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा। कोई भी देश इकबाल पर चलता है, भरोसे पर चलता है। अगर आप गए और आपको ये यकीन नहीं है कि आप सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज की इस दुर्घटना ने बताया कि रेलवे की हालत बहुत खराब है और पिछले दिनों सरकार ने घोषणा की है कि रेल बजट को वो
खत्म कर रही है वो आम बजट के साथ उसे जोड़ा जाएगा। अब देखना ये होगा कि अभी जब रेल बजट अलग है, उसके बहुत से अलग अलग विभागों के लिए एलोकेशन होता है पैसा, बहुत चीजें होती हैं, आम बजट के साथ जुड़कर वो बेहतर होगा या खराब होगा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जो रेलवे के अपने प्रोटोकॉल्स हैं सुरक्षा के, खासतौर पर सुरक्षा मानकों के जो प्रोटोकॉल हैं, उस पर तो शायद जरूरत से ज्यादा सख्ती रखने की जरूरत है, क्योंकि आदमी की जान से ज्यादा तो कोई कीमत किसी चीज की नहीं होती। अगर ड्राइवर बता रहा है कि खतरा है, रेल चलाने में दिक्कत है, और उसके बाद अगर झांसी मंडल के अधिकारियों ने उसको ध्यान नहीं दिया और कहा कि किसी तरह कानपुर ले जाओ, तो मेरा ख्याल है ये आपराधिक लापरवाही है और इस पर किसी न किसी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, एक उदाहरण पेश होना चाहिए। अदरवाइज तो फिर ठीक है, प्रभु जी की लीला है, उसमें भी अभी भी डाउट है, क्योंकि इतना बड़ा रेल हादसा होता है, उसके बाद अभी जो तस्वीर दिखाई मेरठ में भी सेम चीज देखने की मिली, वहां पर रात में कहीं ट्रेन गुजर गई, सुबह एक ट्रेन को वहां पर रोका गया जब बाकी लोगों की नजर पड़ी कि एक बड़ा फ्रैक्चर पटरी में, हो सकता है वहां पर भी कोई हादसा हो सकता था। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि एक श्वेत पत्र सामने आना चाहिए कि रेलवे की आखिर हालत क्या है, कितने लोगों की कमी, क्योंकि रेलवे बहुत पुराना सिस्टम है। मेरा ख्याल है कि जो आधुनिक भारत की नींव रेलवे के साथ ही पड़ी है, और इस देश में सबसे बड़ा जो कोई अगर केंद्रीय तंत्र विकसित हुआ तो रेल ही था। मेरा ख्याल 1853 के आसपास पहली रेलगाड़ी चली है, और उसके बाद भी आज इतने साल बाद इतना पुराना और शायद दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है ये, अगर उसके प्रति आप लापरवाही करते हैं तो कहा जाता है कि ये भारत के शरीर की धमनियों की तरह है ये पूरा रेलवे नेटवर्क, जो पूरे देश को स्पंदित रखता है, लोग कहां से कहां जाते हैं, और शायद इस देश के विकास में रेलवे का जितना बड़ा योगदान है शायद ही किसी और का हो। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से जो खासतौर पर सुरक्षा के जो मानक है, क्योंकि पटरियों पर लगातार निगरानी का एक तंत्र था, कहीं पर भी आप गाड़ियां जाती थी, उसके बाद हम लोग जब छोटे थे देखते थे कि कुछ रेलवे के कर्मचारी एक छोटी सी गाड़ी पे बैठकर जिसे धक्का मारा जाता था, रेलवे की लगातार निगरानी करते, तो आज भी वो होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर इसके बावजूद कहीं क्रैक है और उसके बाद गाड़ियां जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि घोर लापरवाही है, और उसकी वजह हो सकती है, उसकी वजह लोगों की कमी हो सकती है, हो सकता है कि, और सभी जो सरकारी विभाग है उनमें ये बात कही जाती है कि बड़े पैमाने पर भर्तियां जरूरत है, पद रिक्त है, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही है। अब उसका असर कहीं ना कहीं उनकी कार्यक्षमता पर पड़ता है, कार्यकुशलता पर पड़ता है, और ऐसे जनता को भोगना पड़ता है। के तौर पर भी हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हम तक जुड़ने के लिए, और बेहतर एक पर्सपेक्टिव इन तमाम चीजों के बारे में देने के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक तरफ तो केंद्र की मोदी सरकार भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देश को, जनता को दिखा रही थी, मगर दूसरी ओर बीजेपी के 2.5 साल के कार्यकाल के बीच 3 बड़े रेल हादसों से साफ हो जाता है कि अब भी भारतीय रेल की गुणवत्ता और जनता की सुरक्षा के मसले पर बड़े सुधार और बेहतर व्यवस्थाओं की दरकार है। पिछले ढेरों बड़े रेल हादसों की बात करें तो इन 2 सालों में कितनी बेहतर हुई है हमारी रेल सेवा, और क्या हकीकत में भारत की रेल यात्रा और यात्रियों की सुरक्षा गारंटी दी जा सकती है। कानपुर के पुखराया में हुए भीषण रेल हादसे में सैकड़ों जिंदगी तबाह हो गई। कानपुर में हुए इस रेल हादसे ने एक बार फिर विश्व की सबसे बड़ी रेल सेवा पर सवालिया निशान खड़ा किया है। कईयों की ऐसा मंजर था, कोई अपने बाप को ढूंढ रहा है, कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है, बहुत ज्यादा कंडीशन बुरी थी। पूरे गेट जाम हो गए थे और हमारा अटेंडेंट जो था वो भी पूरा फंस चुका था। उसके बाद फिर हम लोग खुद से खिड़की वगैरह तोड़े किसी चीज से, और खिड़की से ही हम लोग बाकी जितने लोग थे, हमारी दादी वादी थी, हम लोग सब उधर से। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार ने भारत के विकास के लिए रेल के विकास को जरूरी बताते हुए सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, मगर इस हादसे के बाद एक बार फिर भारतीय रेल सेवा सवालों के कटघरे में खड़ी है। देश में बुलेट ट्रेन चलाने का दावा करने वाले आज मीडिया के सवालों से बचते और भागते दिखाई दिए। सामान्य तौर पर जो प्राथमिक जानकारी मिली है, हमारे लोको में जो लोको इंस्पेक्टर था देखो भैया, उसे जर्क सा महसूस हुआ, वो कोशिश करता इसके पहले डिरेलमेंट हो गया। अनुभवी और वरिष्ठ रेल अफसरों ने भी रेल सेवा पर गंभीर चिंता जताई है। रेलवे में वर्षों अपनी सेवा दे चुके पूर्व सीनियर डीएसओ वीके सिंह ने भारत में रेल हादसों की मुख्य वजह टूटे ट्रैक और जर्जर हो चुकी रेल व्यवस्थाओं को बताया है। उन्होंने अधिकारियों की कोताही को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। देखिए, स्थिति तो जो है वो अपनी जगह है, और इस
हादसे पे कुछ भी कमेंट करना जहां सीआरएस की इंक्वायरी हो रही है ये उचित नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, डिरेलमेंट, ये डिरेलमेंट है और इस डिरेलमेंट में इतना ज्यादा कैजुअल्टी हो ये समझ के परे है। केंद्र सरकार लगातार देश के विकास के लिए बड़े फैसले तो ले रही है, ऐसे में रेल सुधार की दिशा में भी बड़े और क्रांतिकारी फैसले की अपेक्षा है ताकि रेल हादसों का शिकार हो रहे यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। गौरव शर्मा, APN, वाराणसी। तुम्हें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का आज SP सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लोकार्पण किया। इससे आगरा लखनऊ के साथ साथ दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरियां सिमट गई। अब दिल्ली से लखनऊ का सफर महज 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। उद्घाटन के मौके पर मुलायम का पूरा कुनबा एक साथ नजर आया। इस मौके पर SP सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव भी दिखे। सीएम अखिलेश यादव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को नेताजी के जन्मदिन के लिए बेहतरीन तोहफा बताया। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता, शायद यही वजह है कि सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ से दिल्ली जाने का रास्ता सुगम और कम वक्त में पूरा करने की कामयाब कोशिश की है। अब लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त पूरा यादव कुनबा मौजूद रहा। इस मौके पर अखिलेश ने दावा किया कि विकास की जो बयार उन्होंने बहाई है वह किसी और की बस की बात नहीं। आने वाले समय में मैं ये बात कह सकता हूं अपने तमाम समाजवादी साथियों के सामने, जो काम समाजवादियों ने किया ये उदाहरण बनाए न केवल देश के लिए बल्कि तमाम जो उत्तर प्रदेश को कहते थे ये पीछे है, पिछड़ा प्रदेश है, उन प्रदेशों को भी ये उदाहरण बना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे काम हो सकता है। लेकिन इस अत्याधुनिक और सबसे तेज बनने वाले एक्सप्रेसवे का एक पहलू और भी है। भले ही अखिलेश ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया हो लेकिन आम जनता को फिलहाल इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि आम जनता इस एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी दिसंबर के आखिरी हफ्ते से ही दौड़ा पाएगी और इसी मुद्दे ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है। ज्यादातर पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई है, वहां बेटा होते ही तय हो जाता है, वहां बेटा होते ही तय हो जाता है कि वो पार्टी का नेता कौन हो। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो आज उद्घाटन होने के लिए जा रहा है ये अभी पूरा तैयार नहीं है, ये कच्चा है, लेकिन उनको मालूम है सपा मुखिया को कि सपा सरकार के मुखिया को भी, सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी ये मालूम है कि वो दोबारा से पावर में आने वाले नहीं। एक्सप्रेसवे की रियलिटी चेक के जरिए साबित किया गया था अगर कार 110 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही है तो भी कार के डैशबोर्ड पर रखा गिलास का पानी नहीं छलकेगा। ये रियलिटी चेक संकेत हैं कि अखिलेश सियासी तौर पर क्या साबित करना चाहते हैं। खुर्रम निजामी, APN, लखनऊ। तो वहीं इस एक्सप्रेसवे का आज SP सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लोकार्पण किया। इससे आगरा लखनऊ के साथ साथ दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरियां सिमट गई हैं और दिल्ली से लखनऊ का सफर महज 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। पूरा कुनबा एक साथ नजर आया। इस मौके पर SP सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी दिखा है और इसको एक बेहतरीन तोहफा बताया है मुलायम सिंह यादव के लिए अखिलेश यादव ने। तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि दुश्मन से मुकाबला करने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि सेना को कहा गया है कि दुश्मन सामने हो तो रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है, उसे तुरंत गोली मार दो। पर्रिकर ने कहा कि जब उन्होंने बतौर रक्षा मंत्री काम संभाला तो पहली बात जो उन्होंने सैनिकों से कही वो ये थी कि अगर आप किसी के हाथ में मशीन गन या पिस्तौल देखें तो उससे ये उम्मीद ना करें कि वो आपसे हलो करने आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन के बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि दुश्मन से मुकाबले के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। सेना को कहा गया है कि दुश्मन के सामने रक्षात्मक रुख अपनाने की कोई जरूरत नहीं, दुश्मन को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री पर्रिकर ने कहा कि हमें अपने सैनिकों के शहीद होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। गोवा के फतोरदा में एक रैली के दौरान रक्षा मंत्री ने बयान दिया। इससे पहले मुंबई में INS चेन्नई को समुद्र में उतारे जाने के दौरान रक्षा मंत्री पर्रिकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि हमें पूरा हक है कि हम अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें। जब तक पाकिस्तान, मुझे लगता है इस बारे में अपना ऑफेंसिव बंद न करे,
वी आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव टू फायर अपॉन अनलेस फायर्ड ऑन अक्रॉस बॉर्डर एम टॉकिंग रक्षा मंत्री जी लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा पहले से थोड़ी ये टेम्परेचर थोड़ा कूल हुआ है आई होप इट कूल डाउन फर्दर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयानों के बीच सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक साजिश जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में रविवार रात पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमा पार से भारी गोलाबारी की। इस गोलाबारी में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल राय सिंह शहीद हो गए। पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों में भारी गोलाबारी की जा रही है। अपने घरों के अंदर छुपे हैं, उनको कोई मौका नहीं लग रहा है बाहर निकलने का, तो जो आगे पीछे हैं वो निकल के नीचे आ रहे हैं। अब क्या करें, बहुत ज्यादा ऐसे शेलिंग हो रही है। कुछ लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोगों ने अपना घर बार छोड़ा हुआ है, कुछ अपने घरों में अंदर छुपे हुए हैं। सर के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई इस बार भारत की ओर से हो रही है, इस प्रकार की कार्रवाई पहले कभी कई दशकों में देखने को नहीं मिली और यही कारण है कि उनका मनोबल बहुत ऊंचा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम उल्लंघन की 290 से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। इन घटनाओं में 14 जवान शहीद हुए हैं, कई नागरिक भी मारे गए। हालांकि भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को 2 गुने से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि रविवार को रावलपिंडी स्थित संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में पाकिस्तानी अधिकारियों ने जाकर डॉजियर सौंपा। पाकिस्तानी नियंत्रण रेखा पर भारत की ओर से हो रहे युद्ध विराम के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र के सैन्य निरीक्षण दल को डॉजियर यानी शिकायती पत्र दिया। ये दल संयुक्त राष्ट्र की ओर से नियंत्रण रेखा के हालात पर नजर रखने के लिए स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। वह देश के जंगी जहाज INS चेन्नई को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। इस जहाज में नौसेना के बेड़े में शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत पड़ोसी देशों के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। रक्षा मंत्री ने इसे स्वदेशी जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मझगांव डॉकयार्ड में 60% स्वदेशी बनावट वाले युद्ध पोत INS चेन्नई को देश को समर्पित किया। रक्षा कवच, चैफ डिकॉय सिस्टम से लैस ये वॉरशिप दुश्मन के रडार को चकमा देने के साथ 2 हेलीकॉप्टर लेकर चलने में सक्षम है। INS चेन्नई के समुद्र में उतरने के साथ ही भारत की समुद्री ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। कोलकाता क्लास के सबसे आधुनिक युद्धपोत INS चेन्नई में कुछ खास विशेषताएं हैं। मसलन इसकी लंबाई करीब 164 मीटर और वजन उठाने की क्षमता 7,500 टन है। INS चेन्नई सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। इस युद्ध पोत पर सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलें भी लगाई गई हैं। INS चेन्नई की समुद्र में रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। टॉरपीडो से बचाने के लिए इसमें मारीच सिस्टम लगा है, साथ ही इसमें 9 सैनिकों के लिए ज्यादा जगह का भी इंतजाम किया गया है। इस क्लास के पहले जहाज INS कोलकाता को 2014 में नौसेना में शामिल किया गया था, जबकि INS कोच्चि को पिछले साल सितंबर में नौसेना में शामिल किया गया। INS चेन्नई को शामिल किए जाने के साथ ही प्रोजेक्ट 15-1 खत्म हो गया है। इन तीनों युद्ध पोतों की कुल लागत 11,500 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आइए अब एक नजर डालते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों पर। भारत ने ओडिशा में सोमवार को पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी 2 मिसाइल को साल 2003 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक का भार उठाने में सक्षम है। कोलकाता के SSKM अस्पताल में सोमवार सुबह आग लगने से अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिवार वालों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी इलाहाबाद पहुंचे। पूर्व PM इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती के मौके पर जन्मशती समारोह का आयोजन स्वराज भवन में किया गया। स्वराज भवन में इंदिरा गांधी की यादों से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा गाजियाबाद के साहिबाबाद पहुंची। लाजपत नगर में परिवर्तन यात्रा के पहुंचने के दौरान केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, कलराज मिश्र और VK सिंह मौजूद रहे। UP में सत्ता का सपना देख रही बीजेपी को परिवर्तन यात्रा से ढेरों उम्मीदें हैं।
विशाखापट्टनम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने 246 रनों से जीत लिया। 405 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड टीम पांचवें दिन अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 158 रन ही बना सकी। इसके साथ ही पांच टेस्ट मैच सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हो गई है। तो ये लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानने में आनाकानी कर रहे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लोढ़ा पैनल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट है जिसमें बोर्ड के सभी वर्तमान अधिकारियों को हटाने की सिफारिश की गई है। बीसीसीआई और लोढ़ा कमेटी एक बार फिर आमने सामने है। अब सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी स्टेटस रिपोर्ट में लोढ़ा समिति ने सीधे तौर पर सिफारिश की है कि बीसीसीआई के सभी अधिकारियों को हटा दिया जाए और थोड़े समय तक पूर्व गृह सचिव जी के पिल्ले को जिम्मा सौंपा जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीसीसीआई के कोर्ट के आदेश मानने की बात स्वीकार तो की थी, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने 7 पेज के हलफनामे में कहा, राज्य संघ लोढ़ा पैनल की सभी सिफारिशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। बीसीसीआई अध्यक्ष ने इसके साथ ही 50 पन्नों के अन्य दस्तावेज भी जमा किए जिनमें सुधारों पर चर्चा के लिए बुलाई गई विभिन्न आपात बैठकों की विस्तृत जानकारी दी गई है। बीसीसीआई और लोढ़ा पैनल में लंबे समय से खींचतान मची हुई है। बोर्ड लोढ़ा पैनल की सिफारिशें पूरी तरीके से लागू करने को तैयार नहीं है और ढीला रवैया अपना रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि बीसीसीआई लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करे, लेकिन बावजूद इसके बीसीसीआई अपनी अलग दलील रखता रहा है। 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य एसोसिएशन को तब तक पैसे दिए जाने पर रोक लगा दी थी जब तक कि बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और अन्य इकाइयां बीसीसीआई में सुधार पर पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का एफिडेविट नहीं दे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित ताज मानसिंह होटल की फिलहाल नीलामी नहीं होगी। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोली पर रोक लगाई। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के बोली लगाने वाले फैसले पर रोक लगाते हुए आदेश दिया। ताज मानसिंह होटल को 1978 में 33 साल की लीज पर लिया गया था। ये लीज 2011 में पूरी हो गई जिसके बाद टाटा ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में लीज बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने NDMC की मांग को दरकिनार कर दिया जिसमें उन्होंने 31 मार्च के बाद होटल में कंपनी कोई बुकिंग नहीं ले रहा था। कोर्ट ने कहा कि चलते हुए बिजनेस पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस पर सुनवाई करेगा। और अब एक नजर लीगल टॉप 5 खबरों पर। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने अवमानना के मामले में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। धोखाधड़ी के केस में जांच कर रही CBI ने कहा कि माल्या के प्रत्यर्पण के लिए इसे UK सरकार को भेजा जाएगा। बैंकों से 8000 करोड़ कर्ज लेने के बाद शराब कारोबारी लंदन भाग गया था। पहले भी माल्या को गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। आरुषि हेमराज हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रही आरुषि की मां नुपुर तलवार को पैरोल के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। पैरोल बढ़ने की अर्जी पर अब 24 नवंबर को सुनवाई होगी। नुपुर तलवार अपनी मां की बीमारी के सिलसिले में पैरोल पर हैं। नोटबंदी को लेकर कई अदालतों में दायर याचिकाओं के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल की है। केंद्र ने याचिका में देश भर के अलग अलग हाई कोर्ट में नोटबंदी के मामलों को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा। उधर नोटबंदी की संवैधानिकता को लेकर दाखिल मुख्य याचिकाओं पर 25 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए अलग अलग हाई कोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन दाखिल करे। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पॉलिथिन खाने से गाय की मौत के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम से जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। सूबे में पॉलिथिन के खरीद फरोख्त पर दिसंबर 2015 को रोक लगा दी थी और जनवरी 2016 को शासन आदेश भी जारी किया गया था। श्रीलंका सरकार ने विश्वास जताया कि उसके देश में सेना की ओर से तख्तापलट के किसी भी प्रयास को भारत सफल नहीं होने देगा। वो श्रीलंका में चुनी हुई मैत्रीपाल सिरिसेन सरकार को बनाए रखने में पूरा सहयोग देगा। श्रीलंका सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति को भारत का मजबूत समर्थन बना हुआ है और तख्तापलट के षड्यंत्र की भनक लगते ही
भारत ने श्रीलंका तट के पास दो नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए। दिशा नायके ने यह बात विपक्ष की सैन्य तख्तापलट की चेतावनी के बाद कही। श्रीलंका में विपक्ष की सैन्य तख्तापलट की चेतावनी की रिपोर्टों के बीच श्रीलंका सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका में सेना के सत्ता हासिल करने को सहन नहीं करेगा और देश में तख्तापलट की किसी भी प्रकार की कोशिश नाकाम करने में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को पूरा समर्थन देगा। सामाजिक सेवा मंत्री एस बी दिशा नायक ने कहा कि सिरिसेना के भारत के साथ अच्छे संबंध है और वो श्रीलंका में सैन्य तख्तापलट की किसी भी कोशिश को नाकाम करने में भारत से समर्थन मिलने का भरोसा कर सकते हैं। दिशा नायक ने श्रीलंकाई मीडिया से कहा कि राष्ट्रपति के पास भारत का समर्थन है, जरूरत पड़ने पर भारत श्रीलंका सरकार की मदद के लिए दो नौ सैनिक जहाज भेजेगा। सैन्य तख्तापलट की विपक्ष की चेतावनी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नई दिल्ली श्रीलंका में सेना की सत्ता हासिल करने की किसी कोशिश को सहन नहीं करेगा। ज्वाइंट ऑपोजिशन के संसदीय नेता दिनेश गुणवर्धन ने शुक्रवार को संसद में कहा था कि देश में सरकार की ओर से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की कथित हनन के मद्देनजर श्रीलंका में सैन्य तख्तापलट का खतरा है। उन्होंने 2017 बजट के आवंटन में हिस्सा लेने के लिए सदन में मौजूद सिरिसेना को संबोधित करते हुए ये बात कही। ज्वाइंट ऑपोजिशन सिरिसेना से पहले राष्ट्रपति रहे महिंदा राजपक्षे का समर्थन करता है। राजपक्षे ने पिछले साल सिरिसेना के हाथों मिली हार के लिए भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दोषी ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और अब एक नजर इंटरनेशनल टॉप फाइव खबरों पर। अफगानिस्तान में एक मस्जिद के आत्मघाती हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। आत्मघाती हमला राजस्थानी काबुल के दारुल अमन इलाके में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वो सीरिया के निकट भविष्य के बारे में चिंतित है, क्योंकि प्रशासन अपने रूसी समर्थकों के साथ मिलकर अलेपो में नागरिकों पर लगातार बमबारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग की आखिरी मुलाकात हुई, जिसमें जिनफिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दोनों महाशक्तियों के संबंध को लेकर चर्चा की। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध उतार चढ़ाव के दौर में है। पाकिस्तान ने अरब सागर की अपनी सीमा में कथित तौर पर प्रवेश करने वाले कम से कम 43 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने इन मछुआरों को सिंध प्रांत के तट के पास पकड़ा। देश और दुनिया के इतिहास में 21 नवंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से ये सभी प्रमुख हैं। 1517 दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी का निधन हुआ, तो वहीं साल 1916 में परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक नायक यदुनाथ सिंह का जन्म हुआ। साल 1947 आजादी के बाद देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। इसी के आज ही के दिन साल 1962 में भारत चीन सीमा विवाद के दौरान चीन ने संघर्ष विराम का ऐलान किया था। तो वहीं साल 1963 में केरल के थुम्बा क्षेत्र से रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। आज के दिन साल 1970 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन का निधन भी हुआ था। और अब बात एक ऐसी अदाकारा की जो हिंदी फिल्मों में एक एक्स्ट्रा के तौर पर आई थी, लेकिन बाद में इनके किरदार हिंदी फिल्मों की जान बन गए। आज हेलन का जन्मदिन है। हेलन की जिंदगी की कहानी किसी हिंदी मसाला फिल्म से अधिक दिलचस्प है। बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल के तौर पर पहचानी जाने वाली अभिनेत्री हेलन ने बॉलीवुड का उस वक्त आइटम नंबर से परिचय कराया जब वो अपने शुरुआती दौर में था। 50 के दशक की मशहूर डांसर कुक्कू ने हेलन को फिल्मों में प्रवेश दिलाया। 1958 में प्रदर्शित फिल्म हावड़ा ब्रिज हेलन के करियर की सबसे अहम फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन पर फिल्माए गाने मेरा नाम चिन चिन चू से हेलन घर घर में जाने जाने लगी। बाद में हेलन ने लोकप्रियता के और भी पायदानों को छुआ और आज चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं हेलन के कुछ खूबसूरत गीतों के साथ।